टाइम और लग सकता है। सर साहब आ गए हैं, बस वो बहुत क्राउड है सामने, तो सर थोड़ा सा उनसे अलग होना चाह रहा था कि आपसे आराम से बात कर पाए। मेरे ख्याल से 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आगे सबसे जी पहले हम प्रताप न्यूज जी, लाइव एमपी से अभय तिवारी जी, वर्मा गौरव जी, जूही चतुर्वेदी वर्मा जी। जी को लेंगे न्यूज लाइव एमपी से। जूही वर्मा जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, कल एमपी की सियासत में दो बयान बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहे। एक बयान तो जाहिर तौर पर आपका था, जो आपने कहा कि मेरा भारत महान नहीं बदनाम है, और शाम तक एक और बयान ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी, और वो बयान था सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, जो उन्होंने सीहोर की समीक्षा बैठक में दिया था कि मैं सबसे कमजोर विधायक हूँ। हालांकि ये बयान उनका सीहोर जिले के किसका बयान परिप्रेक्ष्य में था, था, किसका पर बयान था ये, कौन? ये खुद सीएम ने कहा था समीक्षा बैठक में कि सीहोर के सभी विधायकों ने अच्छा काम किया, पर सबसे कमजोर विधायक सीहोर का मैं ही रहा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ इसलिए सीहोर पे ध्यान नहीं दे पाया। तो इस बयान को आप किन संदर्भ में देखते हैं, पूरे एमपी की सियासत की बात करें? देखिए, मेरे ऊपर ये मुझे गाली देने से क्या रोजगार मिल जाएगा? मुझे गाली देने से क्या लोगों को वैक्सीन लग जाएगा? मुझे गाली देने से क्या किसान संतुष्ट हो जाएगा? ये आप केवल इमेज मैनेजमेंट। मैंने कौन सी गलत बात कही? मैं तो पूछना चाहता हूं, कौन सी गलत कही? अगर अपना देश बदनाम हो रहा है, मैं नहीं कहूं कि अपना देश बदनाम हो रहा है, पूरा विश्व कह रहा है, तो मैंने कहा तो अपना देश बदनाम हो रहा है, हमारा तो भारत मान था, अब हमारा देश बदनाम हो रहा है, तो मेरा भारत बदनाम क्या हमारा चाहते हैं? ये क्यों, इसमें कौन सी गलत बात है? मैं तो इनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अपना देश बदनाम ना होए। इसके बाद कमलनाथ जी से उन्होंने जो शर्मा कहा जी। था कि सीएम जो है, सीएम शिवराज, वो सबसे कमजोर विधायक है, कल ये बयान भी काफी सुर्खियों में रहा। अब वो उनका कन्फेशन है या नहीं है, देखिए ये कलाकारी की राजनीति का समय खत्म हो गया। ये कलाकारी की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं। ये जो घोषणा की राजनीति, कलाकारी की राजनीति, कहीं जाओ बोलो मैं मामा हूं, कहीं जाओ बोलो मैं किसान का बेटा हूं, आज लोग समझने लग गए, लोग समझने लग गए सच्चाई क्या है।